पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के आज इलेक्शन है। लॉ ऑडिटोरियम के मैं बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि अब सभी स्टूडेंट जो वोट कास्ट करके अब अपना वोट कास्ट करके बाहर की तरफ को आ रहे हैं। जो एक्साइटमेंट इस वोटिंग के दौरान देखी जा रही थी, आप देख सकते हैं कि ग्रुपों में अब स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं। काफ़ी देर से ये कयास लगाई जा रही थी, सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाया हुआ था, अब वो वोट करके बाहर आ चुके हैं। स्टूडेंट से अब पूछते हैं किस तरह की एक्साइटमेंट है और कौन सी पार्टी ये जीत रही है। आप वोट कास्ट करके आ चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर लीजिए वोट कास्ट। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? कड़ा मुकाबला है कि एक तरफा ही होगा? नहीं, एक तरफी की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले तो प्रधान बहुत ने जी, 8 प्रधान कंटेस्ट कर रहे हैं, 4 मेजर पार्टीज ने, इस करके एक तरफी वाली तो कोई गल है ही नहीं। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला है, नेल बाइटिंग फाइट कहते हैं जिन्होंने पाओ हुआ है, तो मौके पर पता लगे जो डब्बे खुलेंगे की निकलता जी। वोटिंग की हम बात करें, 9:30 बजे ये वोटिंग शुरू हो गई थी, अभी तक ये वोटिंग चल रही है, 11:15 हो गए हैं, 11:30 तक ये वोटिंग होगी। क्या वोटिंग का ठीक था? PU प्रशासन ने पूरा उसका कर रखा था अरेंजमेंट? सर ठीक सीगा, बस थोड़ा जहा ट्रैफिक जाम होया, पुलिस नाल इन्हां दा कोऑर्डिनेशन शायद ठीक नहीं सी। जे अगर गड्डियां बाहर लवा देंदे या शटल बसेस चला देंदे तो शायद बेटर हो सकता। और आपको क्या लग रहा है कि इस PU में जो 2 साल बाद इलेक्शन हो रही है, इस बार क्या एक तरफा होगा कि जीतेंगी? एक तरफा का मुकाबला तो हो नहीं सकता सर, प्रधान बहुत ने, 2 साल बाद इलेक्शन ने, वोटिंग भी शायद 65% हुई है, देखो सर शाम को पता लग जाऊ। अच्छा, स्टूडेंट्स में गर्ल स्टूडेंट काफ़ी कम मिल रहे हैं, देखिए हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं, गर्ल स्टूडेंट काफ़ी कम आई है इस बार, क्या फेस्टिवल सीजन था इस करके? नहीं, आप हम लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो कि फेस्टिवल सीजन के लिए हम अपना राइट एक्सरसाइज करने नहीं आएंगे? अगर आप क्लासेस में देखोगे तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं। हाँ जी, और आपको क्या लग रहा है जो इस बार मुकाबला हुआ गर्ल्स में, एक कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, दो कैंडिडेट हैं, तो किस तरह से लग रहा है कि वोटिंग किस तरह से हुई, क्या एटमॉस्फेयर था और कौन जीतेगा? एक्चुअली द थिंग इज़ कि इस बार बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि 2 साल बाद हो रही है और जो स्टूडेंट हैं वो सारे फ्रेश हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो उनको तो एक हफ्ता भी नहीं मिला है कि कैंडिडेट्स को वो जाने या कैसे करें। अगर हम भी हैं, हम भी पिछले साल आए तो हमें भी जैसे सारी पार्टीज हमारे टाइम पर तो थी ही नहीं कोई, तो इसलिए हमें भी अभी बहुत कम टाइम मिला कि हम जाने पहचाने कि पार्टीज़ कैसी हैं, कैंडिडेट्स कैसे हैं। तो आई गेस ज़्यादा तो मॉबोक्रेसी हो रही है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा है बच्चे वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं। जो ये मैनिफेस्टो में जो वादे करते हैं उसको देखकर आप वोटिंग करते हैं कि इसका भी फ़र्क पड़ता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में है वो कैसे वोट कर रहे हैं? फ्रेंड सर्कल का भी असर पड़ता है और मैनिफेस्टो देख के तो हमेशा ही एक लाइक रेशनल डिसीजन लेना ही चाहिए सभी को। और अभी काफ़ी कम हो पाई है फर्स्ट ईयर से वोटिंग, क्योंकि कल DU का एंट्रेंस है तो फर्स्ट ईयर काफ़ी कम आ पाया है, अराउंड 180 कैंडिडेट्स जो थे वो वहाँ DU का अपना एंट्रेंस देने गए हैं, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर से काफ़ी पोलिंग कम हो पाई है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो या फिर DR के लिए, उसमें गर्ल्स तो खड़ी हुई है, तो मेरे को मतलब ऐसा फील तो आ रहा है कि हाँ लड़कियों के लिए भी है, बट वैसे देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर अब लड़कियाँ कम आई हैं थोड़ी सी, बट उसके हिसाब से रीजन क्या माना जा रहा है, फेस्टिवल सीजन था? हाँ ये भी है, हाँ एडमिशंस तो अभी अमेरिका में फर्स्ट ईयर आ गया है, बट अभी फेस्टिवल सीजन तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यू नो बैक होम, तो आया नहीं है यहाँ पे कोई, तो जो जो है 2 साल बाद में कुछ खास आपको देखने को मिला, कुछ लगा कि यूनिक हो रहा है इस बार और कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं इस बार? हाँ, पीपल वर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट मतलब राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली 2 साल बाद हुआ है इलेक्शन, तो हाँ टक्कर तो बहुत है, मतलब हमारी हॉस्टल्स के बाहर भी बहुत सारी भीड़ आई है, मतलब एवरीडे यूज़ टू कम एंड यूज़ टू यू नो आस्क फॉर वोट, तो हाँ काटे गए। और स्टूडेंट से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आपने वोट किया है इसमें और इस बार इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को भी आपने सपोर्ट किया था? यस सर, बिल्कुल, मेरी पार्टी SOI पार्टी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रही है। हमारी जो पार्टी है 2015 और 2019 में काउंसिल में आई थी, और जो काम हमने 2 बार की काउंसिल में किए हैं और पिछले 10 साल की जो बाकी पार्टीज़ की काउंसिल है वो कंपेयर करके देखिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। हाँ जी, लास्ट में ख्याल आप कई कैंडिडेट जीता सोई से जी? हाँ जी, हमारे लास्ट कैंडिडेट चेतन चौधरी थे, जो बहुत ही एक डिज़र्विंग कैंडिडेट थे। तो इस बार आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी जब बढ़िया परफॉर्म कर रही थी तो बाकी पार्टीज़ ने हमारी पार्टी को नीचे करने के लिए एक फेक चैट फैलाई, जो हमारे लास्ट टाइम प्रेसिडेंट चेतन चौधरी की थी, उसको एक बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया गया, उसको ऊपर लेके वोट्स हमारी काटी गई बाकी पार्टीज़ की, एक डेफेमेशन का हमने केस भी फाइल किया उसके लिए।
बाकी आप देख सकते हैं कि लॉ ऑडिटोरियम के बाहर अब लगातार स्टूडेंट जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब से हम इंटरेक्ट करेंगे, आपको क्या लग रहा है, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और इलेक्शन में क्या इस बार कम हुई है वोटिंग आपको लग रहा है? हाँ जी, इस बार देखा जाए तो वोटिंग कम हुई है क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी टाइम पर छुट्टियों का माहौल है, फेस्टिव सीज़न है, फिर एकेडमिक भी अभी तरह से पूरा बंद हो चुका है ना, मतलब कुछ दिन क्लास लगती है फिर छुट्टी आ जाती है, तो मैक्सिमम बच्चे अपने अपने घर ही हैं। मतलब जो टोटल 17,000 स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में हैं तो अराउंड 7,000 to 8,000 ही वोटिंग हुई होगी आई थिंक। तो वो है जो कैंपेनिंग के लिए पर्टिकुलर आपको टाइम मिल पाया कि एक हफ्ते के अंदर जैसे अनाउंसमेंट हुई कैंपेन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, इसका भी कोई मलाल है आपको? हाँ, मतलब कहीं तरफ ये दिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता ही नहीं था इलेक्शन कराना, मतलब ये प्रेशर आया बच्चों पे क्योंकि ऑलरेडी सभी चाहते हैं ना कि प्रेशर ग्रुप क्रिएट ना हो उनके ऊपर, तो ये देखने को मिला। पर जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं BPSC को सपोर्ट करता हूँ, तो हम तो साल भर से काम करते आ रहे हैं, तो हमको कैंपेनिंग का इतना फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि हम तो साल भर से बच्चे स्टूडेंट्स के बीच में थे, हैं और रहेंगे, तो इतना फ़र्क पड़ा नहीं, तो ठीक था, हो गया। बट लग रहा है ABVP इस बार स्वीप कर जाएगी क्योंकि ABVP हर बार कंटेस्ट जरूर करती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि हरीश गुज्जर पहुंच पाएंगे उस मुकाम तक? हाँ जी, इस बार हमें पूरा पूरा भरोसा है कि हम इस बार प्रेसिडेंट काउंसिल जीत पाएंगे और स्टूडेंट का सपोर्ट भी रहा है, काम किया है बच्चों के लिए, साथ भर रहे हैं पूरे टाइम, तो इस बार उम्मीद है कि हम जीतेंगे। थैंक यू। PU के लॉ ऑडिटोरियम के बाहर अब ये स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं वोटिंग के लिए। 9:30 बजे ये वोटिंग शुरू हुई थी, 11:30 बजे तक ये वोटिंग चल रही है, अभी भी चल रही है, 10 मिनट हैं वोटिंग के और स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार जो वोटिंग की तादाद काफ़ी कम देखी है, हर स्टूडेंट ये बात कह रहा है कि इस बार फेस्टिवल सीज़न करके कई स्टूडेंट अपने घरों को चल गए हैं और स्टूडेंट की जो वोटिंग है अराउंड 7,000 या 8,000 तक ही हो पाएगी, लेकिन कड़े टक्कर है। और ये कहना कि हर बारी जो PU इलेक्शन में ये देखा जाता था कि एक तरफा मुकाबला होता था, लेकिन इस बार जो टक्कर है वो कांटे की है, देखना होगा कौन PU स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में जीत पाता है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।